मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर यहाँ पर, आप मैट्रिक इंटर से संबंधित, बिहार बोर्ड से संबंधित सभी खबर को जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न से पास सभी छात्र छात्राओं को मिलेंगे 10,000 रुपये। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे। इसके बाद आप जानेंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो सभी बड़ी खबर का जो हेडलाइन यहाँ पर हमने दिखाया, सभी को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए पहले हम स्कॉलरशिप से जानते हैं। तो जो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न से पास सभी छात्र छात्राओं को मिलेंगे 10,000 रुपये। बिहार बोर्ड वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में फर्स्ट डिवीज़न से पास सभी छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा लिस्ट जारी किए जाने के बाद सभी छात्र छात्राएं अपना बैंक डिटेल्स और आधार कार्ड नंबर जरूरी जानकारी भरेंगे। डीबीटी के माध्यम से स्कॉलरशिप की राशि सीधे सभी के खाते में भेजी जाएगी, जबकि इंटर में फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न प्राप्त करने वाले सभी छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 की राशि दी जाएगी। तो ये तो स्कॉलरशिप वाली बात होगी। चलिए अब हम जानते हैं कि कंपार्टमेंटल के लिए आवेदन और स्क्रूटनी के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे। और यहाँ पर आप एक और न्यूज़ को जान सकते हैं कि जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अलावा पास आउट होने वाली किसी भी जाति की अविवाहित बालिकाओं को कन्या उत्थान योजना के तहत सरकार 10,000 की राशि प्रदान करेगी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि देश में थमने लगी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। और यहाँ पर आप जान सकते हैं कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, सभी राज्य का देख सकते हैं। और देश दुनिया में देखिए 5,10,000 लोग संक्रमित हैं, 198 देशों में फैला है कोरोना। अब किस देश में कितने मामले हैं और कितने ठीक हुए हैं, सभी आंकड़े यहां पर हैं, आप देख सकते हैं विस्तार पूर्वक। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल के लिए आवेदन 14 अप्रैल के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने काफ़ी कम समय में इंटर का रिजल्ट जारी कर इतिहास रच दिया है। जो भी छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, स्क्रूटनी के लिए आवेदन 14 अप्रैल के बाद से कर सकते हैं। और परीक्षा में फेल हुए छात्रों के लिए कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम की एग्ज़ाम जो है मई में आयोजित की जाएगी, और छूटे हुए छात्रों के लिए स्पेशल एग्ज़ाम और कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दोनों साथ ही आयोजित की जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं और जो पास हो चुके हैं, जिनको लग रहा है कि उनको जो है कि उनके मन के मुताबिक उन्होंने जितना लिखा मार्क नहीं दिया गया है, तो ये सभी चैलेंज कर सकते हैं, स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत छात्रों का सवाल था कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन और कंपार्टमेंटल फॉर्म दोनों भर सकते हैं, तो दोनों फॉर्म भर सकते हैं साथ में। जिसका रिजल्ट पहले आएगा, मान के चलिए कि स्क्रूटनी का रिजल्ट पहले आ गया, आप पास हो गए, तो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम नहीं देना है। यहाँ पर देखिए मैट्रिक रिजल्ट से संबंधित न्यूज़ है। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट तिथि घोषित, 4 अप्रैल को आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 का रिजल्ट जारी करने की तिथि घोषित कर दी है। बिहार बोर्ड के अधिकारियों की माने तो मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जो है 4 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। राज्य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए एहतियाती के तौर पर मैट्रिक कॉपियों के मूल्यांकन कार्य 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो 1 अप्रैल को बचे हुए कॉपियों का मूल्यांकन कार्य समाप्त कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड अचानक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। तो आप लोग खबर पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही डालें, क्योंकि सबसे पहले खबर इसी चैनल पर मिलेगी। और प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे इस चैनल पर आकर के बिहार बोर्ड से संबंधित सभी न्यूज़ को जान लीजिए। इस वीडियो को कम से कम 10 ग्रुप में ज़रूर फैलाइए, ताकि सभी छात्र इस न्यूज़ को जान सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।